आज मनोज तिवारी, संजय जायसवाल हेलीकॉप्टर से पकड़ीदयाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहार की जनता और भगवान का आभार जताया और कहा कि आप लोगों के ही आशीर्वाद से आज सही सलामत आपके पास हूं। इसके बाद मनोज तिवारी ने अपने चिर परिचित अंदाज यानी भोजपुरी भाषा में सभा को संबोधित करते हुए माले भाकपा राजद और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि माले का मतलब 6 इंच छोटा करने वाली पार्टी, भाकपा का मतलब भारत तेरे टुकड़े हजार और कांग्रेस का मतलब सुशांत सिंह के हत्यारे पर FIR नहीं करने वाली पार्टी, तो तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया और दर्शकों की तालियां बटोरी। वे यहां भाजपा के पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं इस मौके पर मनोज तिवारी आज खूब मूड में दिखे और बिहार की राजनीति पर तो उन्होंने खास बात कही ही, साथ में केंद्र सरकार के कार्यों का भी खूब बखान किया। इसके साथ ही मनोज ने सुशांत सिंह की मौत को बिहारी अस्मिता की लड़ाई बताने में कोई परहेज नहीं किया और कहा कि ये वही कांग्रेस और राजद हैं जिसने सुशांत के हत्यारों के खिलाफ एक FIR तक नहीं होने दी। ऐसे बहुरूपिये को पहचानिए और बचिए, ये तो नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने अपने यहाँ FIR दर्ज करवा CBI जांच की अनुशंसा की। हमारी प्रार्थना है पकड़ी दयाल के सभी भाई बहनों से, ये पंचायत है ना भैया, हम लोग पंचायत के लिए बैठे हैं कि बिहार का भविष्य आगे अब कैसा होना चाहिए, बिहार को यहां से किधर चलना चाहिए, बिहार के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है। और ये भी ध्यान रखना है भैया, क्योंकि चुनाव में तो जो आता है अपने हिसाब से बतियाता है, लेकिन जो लोग कई पार्टी के लोग भी आएंगे, ये जरूर विचार करिएगा किसका चरित्र क्या है, कुछ छुपा तो नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कि आके मार वाहवाही में सारी। वहीं मनोज तिवारी ने अपने गाए हुए कुछ गीत भी गाए, बिहार में खुशियों का हुआ श्री गणेश है लेकिन शिखर अभी शेष है सुनाया और कहा कि भाजपा तो कहती है वो करती है, 19 लाख लोगों को रोजगार देगी तो देगी, एक एक बच्चे और बिहारी को मुफ्त टीका देगी तो देगी, 370 हटाने का वादा था तो हटाया। वहीं मनोज तिवारी ने सभा के अंत में दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे और इंटरनेशनल लिट्टी चोखा गीत गाकर समा बांधा। साथ ही राणा रणवीर सिंह को विजयी बनाने की अपील कर अगले सभा के लिए रवाना हो गए।